आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी का मैं एक वीडियो नागपुर में रात को 2 बजे सुन रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, क्योंकि जो झंडा 40 साल पहले प्रकाश राव अम्बेडकर जी ने दिल्ली में सौंपा समता सैनिक दल का, खास तौर से राजरत्न जी के वो शब्द कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं अपने जीवन में समता सैनिक दल उस जवानी अवस्था में दिया था, इस भारत में समता लाने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, विषमता का मुकाबला करने के लिए और ईमानदारी का समाज कायम करने के लिए, लोकतंत्र को कायम करने के लिए, और वो भी युवाओं का समर्थन, उस नागपुर की भूमि से जहां से दूसरी विचारधारा के लोगों ने, जिनके पास पूरे भारत की दौलत है, जिनके पास पूंजी है, तमाम भारत की जुडिशरी से लेकर के तमाम सिस्टम उनके हाथ में है, परंतु वो अरबपति व्यक्ति सुबह 5 बजे खाकी कच्चा पहन करके जाता है हमारी झोपड़ियों में, हमारे गरीबों में, हमारे गांव में, और वो भेकाने के लिए अपने पाखंड को कायम करने के लिए लाखों मंदिरों में जो पाखंड बंद करके पूरे देश को मूर्ख बनाया जा रहा है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो 80 साल का व्यक्ति खाकी कच्चा पहन के जाता है, और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के तमाम संचालक साथी, तमाम विद्वान साथी, जो अरबपति, पूंजीपति, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बाबा साहब के आरक्षण के पन्ने पर पन्ने वो आराम फरमा रहे हैं, ये समता सैनिक दल का संचालित करने का जुम्मा किसी एक आदमी का लिए बाबा साहब ने नहीं सौंपा था, तमाम भारत के लोग जो ये महसूस करते हैं, हे बाबा साहब, हम लाखों लोग जो आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हैं, वो आपकी बदौलत है और आपके समता सैनिक के उस संघर्ष के बल पर है, और महान के तलाक पर आप हजारों जवानों के साथ खड़े नहीं होते तो यह आरक्षण रूपी हमें जो मिला है सम तमाम प्रकार का सम्मान नहीं मिलता, नहीं मिलता। वाहे बाबा साहब, आप जैसा विद्वान एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट और एकलो गरीब की झोंपड़ी में जाने से कभी नहीं हिचके, गरीब के लिए अपने माली से लेकर के गरीब से गरीब आदमी से अपनों को गले लगाने से नहीं हिचके, पर आप यही आरक्षण के बल पर बने हुए तमाम प्रकार के ये करोड़पति लोग अपने भाइयों को भी भाई कहने से हिचकते हैं, अपने क्या सेवा करेंगे समाज की, अपने माता पिता से भी दूसरे लोग बता करके दूरी बढ़ाने का काम करते रहे। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय राजरत्न जी को, वो इसलिए कि शायद वो जब पैदा हुए होंगे तब से हम संता सैनिक दल का संचालन पूरे भारत में कर रहे हैं, और भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया, उसके माध्यम से पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में बुद्ध का धम्म, बुद्ध के संस्कार, बुद्ध के विचार चलने ही चाहिए। इतने नहीं, ये जो पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हो आरएसएस के गुलाम, हिंदूवादी लोगों के गुलाम, जिनका नाम अभी अभी आदरणीय भंते जी बता रहे थे, हमने इन सबको बहुत गहराई से देखा है, समझा है। साथियों, अगर आप पूरे देश में बुद्ध और बाबा साहब के विचार का समर्थन, नौजवानों का समर्थन स्थापित नहीं कर सके तो रोजाना बच्चों को मारा जाएगा, रोजाना बुद्ध विहारों को तोड़ा जाएगा, रोजाना हमारे ऑफिसर्स को बेइज्जत किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए नेता हैं, जो बाबा साहब का नाम लेके बने हैं, इनको भी पीटा जाएगा।